हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जहां कहीं भी होंगे भले चंगे होंगे। और ये हो रहा है अभी, मतलब मॉर्निंग का ही टाइम है। मॉर्निंग का टाइम क्या बोलूं, मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो चुका है और ये आज इनका ब्लॉग है। और अभी ना टाइम हो रहा है 11:15 और मैं नहा धो करके, मतलब सारा काम ख़त्म करके और उसके बाद लग गई हूँ नाखून काटने के लिए। क्योंकि ना हमारे यहाँ गांव में नियम है, जब कोई पर्व त्यौहार होता है, तीज त्यौहार, तो पहले तो मैं देखती आ रही हूँ, बचपन से ही देखी हूँ कि नाई जो होती हैं, जो नाखून वगैरह काटती हैं ना लेडी, जो घर घर में आकर के काटती हैं, तो मम्मी कटवा देती थी त्यौहार से पहले ही, नाखून कटवा लेती थी और नेल पेंट वगैरह और आलता लगवाना, ये सब मतलब देखती आ रही हूँ। तो मैं भी सोची और काफ़ी दिनों से ना नाखून पैर का जो अंगूठे वाला होता है ना, मेरे चेहरे का रिएक्शन देख करके आपको पता चल रहा होगा, अंगूठे का नाखून ना मेरा दोनों तरफ चुभ गया था और वो जब भी कुछ लग जाता था उसमें तो बहुत दर्द होता था। तो मैं सोची और मैं डेली सोचती थी आज निकालूंगी कल निकालूंगी, यही चल रहा था। तो मैं सोची आज बुधवार है, नहीं तो फिर कल बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सोची कि पहले निकाल लेती हूँ। नहाने के बाद क्या होता है ना, कपड़े वगैरह धोई पोछा वोछा लगाई तो नाखून जो है फूल जाता है, तो इसीलिए पहले तो मैं नेल कटर लेकर के बैठी, उससे नहीं निकला, तो फिर अभी ब्लेड लेकर के बैठी हूँ तो उससे निकालने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, काफ़ी दिक्कत के बाद फिर निकल गया था, तो वही मैं नाखून निकालूंगी गड़ा हुआ जो है वो, और उसके बाद नेल पेंट लगाऊंगी और आलता वगैरह लगा लूंगी। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, स्किप करके मत देखिएगा। और जो लोग भी चैनल पर न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ में करें। और अभी मैं यहाँ पे आलता लगा लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं कि जब भी नाखून काटना चाहिए शादी के बाद, मतलब सुहागन स्त्रियों को, तो आलता ज़रूर लगाना चाहिए। तो वही मैं आलता लगा रही हूँ यहाँ पे, तो मैं बहुत कम आलता लगाती हूँ ऐसे भी, मतलब आलता मैं पर्व त्यौहार पे ही लगाती हूँ, तो वही रक्षाबंधन शुरू होना, तो वही आज ना मुझे थोड़ा क्लीनिंग का काम ज़्यादा भी हो गया था क्योंकि त्यौहार है तो थोड़ा बहुत, और पता नहीं क्या है, मतलब कितना भी डेली साफ़ सफाई कर लो फिर भी काम ख़त्म ही नहीं होता है। और ये सब करने के बाद मैं जाऊंगी मार्केट, और मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और करते करते ना राधिका का लेने का भी टाइम हो जाता है, तो मैं दोनों काम एक ही बार कर लूँगी, पहले राधिका को लूँगी स्कूल से, उसके बाद करूँगी शॉपिंग अपने लिए। तो ये देखिए गाइस, मैं राधिका को लेकर के आ गई ही, और मैं सबसे पहले आई हूँ चप्पल जूते की दुकान पर, और ये काफ़ी बड़ी दुकान है, यहाँ पर ना मतलब काफ़ी सारे वेराइटी मिल जाती हैं, तो वही मैं ट्राई कर रही थी अपने लिए क्योंकि मुझे लेना है। और मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ वो तो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा आगे घर में। और यहाँ देखिए बहुत सारे, मतलब काफ़ी सारे चप्पल सैंडल, जिस तरीके का आपको चाहिए ना उस तरीके का मिल जाता है और अच्छे खासे मिल जाते हैं। और मैं देख रही थी ऐसा कि क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, ज़्यादा दिन तक चले, और मुझे ना ज़्यादा ताम झाम वाला चीज़ें पसंद नहीं है, मतलब सिंपल चीज़ ही मुझे पसंद है, जैसे कि चप्पल वगैरह हो या मतलब, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, जैसे कि कलरफुल वगैरह जैसे होता है ना एकदम रंग बिरंगी जैसा, वैसे मैं नहीं पहनती हूँ, सिंपल तरीके से मुझे पहनना पसंद है। तो वही मैं अपने लिए लूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं कपड़े की दुकान पे। और अभी मैं आ गई हूँ कपड़े की दुकान पे, मुझे दिव्यांशु के लिए एक डेली वियर का हाफ टी शर्ट और मतलब पैंट लेना था, मगर मुझे पसंद नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं नहीं ली। फिर मुझे और थोड़े बहुत सामान लेने थे तो वो मैं लेकर के आ गई हूँ, मतलब उस दुकान से निकल गई थी। और बस थोड़ा थोड़ा ही, ये भी मतलब राधिका से मैं बोली थी, राधिका तीनों साथ में, मुझे अजीब जैसा लगता है मार्केट में वीडियो बनाने में, यहाँ का तो ये जान पहचान का दुकान है और लेडीज के सामने, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बना ली, नहीं तो और कहीं मैं बनाती नहीं हूँ, बड़ा अजीब लगता है। और चप्पल वाले दुकान पे राधिका सूट की थी, वो भी थी ना साथ में स्कूल से लेकर के आई थी। तो अभी हो रहा है 3:15 और मैं आ गई हूँ मार्केट से, राधिका को भी लेकर के आई थी साथ में, मैं गई थी उसी टाइम से, टाइम हो ही गया था। और मैं अपने लिए लाई हूँ सैंडल, जो कि कभी कभी यूज करने के लिए मेरे पास नहीं था, आपको मार्केट में थोड़ा बहुत दिखा भी होगा, मैं मुझे ना मार्केट में वीडियो बनाने में बहुत अजीब जैसा लगता है। और राखी वगैरह की शॉपिंग नहीं हुई, राखी मैं नहीं ली हूँ, बच्चों का जो गिफ्ट है वो नहीं ली हूँ, अभी शाम के टाइम में लूँगी, क्योंकि अभी ना मार्केट में बहुत तेज़ धूप है, एकदम मौसम कड़ाके वाली धूप है और धूप में बहुत मुश्किल हो जाता है अभी रोड पे खड़ा होकर के सामान खरीदने में। तो मैं सोच रही थोड़ा धूप कम हो जाए, मतलब 5:30-5:30 के करीब जाऊँगी तब राखी लूँगी। और यहाँ पर अभी सब लोग बोल रहे हैं कि 11 तारीख की रक्षाबंधन नहीं है,
बोल रहे हैं कि 11 तारीख को जो रक्षाबंधन है उसमें भाई पे ग्रह है या पता नहीं क्या है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग कब राखी मना रहे हैं। और देखिए अभी क्या होता है, 11 को मनता है कि 12 को मनता है, देखते हैं। मगर जो राखी की शॉपिंग है वो मैं आज ही कर लूँगी, और जब 12 की मनेगा तो मैं सोच रही हूँ अपना एक अपना सूट भी बना लूँगी पहनने के लिए। दीपिका मुँह बना रही है, पता ना उसको क्या है, जब मैं मशीन पर काम करती हूँ तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और मैं थोड़े बहुत अपना तीज जो आ रहा 30 तारीख की तीज बता रहे सबको, उसकी भी शॉपिंग की हूँ। मुझे ना जूड़े में लगाने के लिए जो फ्लावर होता है, वैसे मैं कभी बनाती नहीं जूड़ा, मगर इस बार लाई हूँ कि बनाऊँगी। दिखाना देखो, देखिए ये लाई हूँ, कैसे लग रहे हैं बताइएगा। जूड़ा में लगाने के लिए लाई हूँ मैं, इस बार जूड़ा बनाऊँगी और लगाऊँगी, अच्छे लग रहे हैं मुझे तो देखने में, अच्छे लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, कमेंट कर बताइएगा। अरे मैं पहला बार ट्राई करूँगी क्योंकि मैं इस तरीके से कभी लगाती नहीं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपको अपना स्टैंड, ये देखिए गाइस, एक ये है जो कि ये थोड़ा महंगा है, इसीलिए इसको मैं कभी कभी पहनूंगी, कहीं आने जाने का काम आएगा। ये इस तरीके से है, ब्लैक मेरे पास नहीं था ना तो इसी वजह से मैं ब्लैक ली हूँ, मेरा ब्लैक पहनने का मन कर रहा था। और मैं ना ज़्यादा हील्स वाले नहीं पहनती हूँ, मतलब कि हील्स रहता है ना एड़ी जिसमें ज़्यादा रहती है वो नहीं पहनती हूँ मैं, तो एकदम बराबर लेती हूँ ऐसे वाला। मगर इस बार थोड़ा सा ज़्यादा करके ली हूँ कि देखती हूँ, इतना तो चलता ही है। तो ये किए रहा, आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको, अच्छा लगा कि नहीं, इतना काला है कि दिक्का दिख भी नहीं रहा सही से ना। एक ये है, एक और दिखाना दिक्का, और एक ये भी है, तो मैं दो लाई हूँ। ओए, 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 ओए। हाँ तो बताइएगा आप लोग कि दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है, मुझे तो दोनों ही अच्छा लगा। तो ये वाला तो मैं इधर निकाल दूंगी क्योंकि जब राधिका को स्कूल वगैरह लेने जाती हूँ ना तो उसके लिए मुझे नहीं था। तो हाँ देखिए मैं इस तरीके का ही पहनती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा एड़ी वाला नहीं। तो एक ये रहा और एक ये रहा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, सही है। और दीपिका का कपड़ा भी खरीदाया है, मगर फिर भी ये कह रही है कि मेरा कुछ नहीं खरीदाया है, बताइए बच्चे कैसे करते हैं। फिर दीपिका राधिका ना कर रही है, राधिका भी वहां बोल रही थी सैंडल लेने के लिए, बताइए स्कूल जाना है तो जूते पहन करके जाना है, और घर पे पहनने के लिए चप्पल है ही, और एक सैंडल उसका है तो वो रखे रखे ही खराब हो रहा है, फिर भी बोल रही है खरीदने के लिए। तो मैं बोली कि अभी मत खरीदना बेटा, जब किसी की शादी होगी ना घर में तब मैं खरीद दूंगी, तब मानी है, नहीं तो मम्मी बोला दुकान में जाने के बाद ना देख करके मूड खराब हो रहा था इसका भी। अच्छा लग रहा है ना दीपिका, सुंदर दीपिका गोरी है ना, इस वजह से और अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइस आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे कर देती हूँ एंड, नहीं तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी शाम में जाऊंगी शॉपिंग वगैरह करने, उसका तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं मार्केट में वीडियो नहीं बनाती हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। जब थोड़ा सा मैं निकालती भी हूँ मोबाइल तो फिर मैं तुरंत ही रख लेती हूँ, बना ही नहीं पाती हूँ। तो बाय गाइस, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, और जो भी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के साथ में लाइक कीजिए, और वीडियो को अगर पूरा नहीं देखें तो फिर चला करके देख लीजिए। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत और कुछ काम करना है वो करूँगी, पहले खाऊंगी खाना क्योंकि भूख लगा है, खाना खा करके नहीं गई थी, बस नाश्ता की थी, और अभी बज गया है 3:30 हो गया, 5 मिनट फास्ट है तो आखिर हुआ ना, हाँ भाई 5 मिनट फास्ट, तो 3:25 हो गया है। इसको मैं जा रही हूँ खाना खा करके थोड़ा सा आराम करूँगी 5-10 मिनट, उसके बाद ये वाला वीडियो आज मैं एडिट करके मुझे अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई वीडियो है नहीं, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या क्या करना है। तो बाय गाइस, बाय बाय।